आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित करते हुए आगरा के जाने माने गायक स्वीटी कालरा ने एक सद्भावना गीत तैयार किया है। इस गीत की विधिवत लॉन्चिंग शुक्रवार को की गई, जिसमें वे मंत्रिमंडल में एक लव मंत्री बनते हुए देश में प्यार और सद्भावना का संदेश दे रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित करते हुए आगरा के जाने माने पॉप गायक स्वीटी कालरा ने एक सद्भावना गीत तैयार किया है। खास बात यह है कि इस गीत के माध्यम से वे देश में एकता, शांति और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। यह गीत केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से देश में प्रेम और सद्भावना कायम करने का संदेश दे रहा है। इस गीत को लिखने और गाने के पीछे एक ही सोच है कि सब जगह शांति हो, विश्व में शांति हो, देश में शांति हो, हम सारे अलगाव छोड़ के आपस के सारी दीवारें ऊंच नीच की, जात बिरादरी की गिरा के देश को सर्वोच्च स्तर पे पहुंचाएं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि हम देश को आगे लेके जाएं, तो हम उनका साथ दें और देश में शांति रखें, जिससे कि हमारा देश एक विश्व में अपना उच्च स्तर पे पहुंचे। गुरमीत जी, आपने अपने को लव मंत्री कहने का तात्पर्य यहाँ पे यूनिवर्सल ब्रदरहुड से है, मानवता से है, कि सभी में आपस में भाईचारा हो। जैसे जो प्रकृति है हमारी, कभी भी भेदभाव नहीं करती जात बिरादरी के नाम से या नर नारी के नाम से। इस गीत के माध्यम से वे स्वयं को सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन मंत्रालय वे प्यार वाला मांग रहे हैं और खुद को लव मंत्री बनाए जाने की बात कहते हुए देश में प्रेम का वातावरण लाने की ख्वाब देख रहे हैं। या पढ़े लिखे या अनपढ़ के नाम से, गरीब अमीर के नाम से कोई मतभेद हमारी प्रकृति हमारे साथ नहीं करती। जब धूप आती है सब पे आती है, बारिश आती है सब जगह आती है, और सभी पांच तत्व से बने हैं, तो सबका सत्कार हो, मानवता बढ़े, भाईचारा बढ़े, एक दूसरे पे एतबार बढ़े, विश्वास बढ़े, यही अपील करी है मैंने कि ये हमारे देश में एक मानवता की तरफ हमारा बढ़े, जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हम उनका सहयोग कर सकें और आपस की कोई भी अगर हमारे मनों में वैर है वो दूर हो, या कोई भी बेविश्वासी है वो दूर हो। तो यही एक अपील है सद्भावना की, प्यार की, मानवता की। इस गीत की लॉन्चिंग वरिष्ठ पत्रकार महेश धाकड़ व भाजपा नेता विजय सामा ने की। इस दौरान रंगकर्मी अलका सिंह व एकता जैन भी मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन रवि मल्होत्रा ने किया। इस गीत को तैयार करने में स्वीटी कालरा के पुत्र का विशेष सहयोग रहा, जबकि एडिटिंग अमित गर्ग ने की है।